हे गाइस, ऑल टेक अपडेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस। अगर आप आईफोन परचेज करना चाहते हैं और ईएमआई के थ्रू परचेस करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑफलाइन मार्केट से ईएमआई पे फ़ोन कैसे परचेस कर सकते हैं, क्या आईफोन पे आपको ऑफर देखने को मिलेगा, कौन कौन से बैंक के थ्रू आप जो है पेपर फाइनेंस करा सकते हैं और किस क्रेडिट कार्ड पर आपको काफ़ी अच्छा ऑफर जो है देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि ज़्यादातर लोग जो है ये ऑनलाइन मार्केट को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं, वहाँ से फ़ोन को परचेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस न मिलने के कारण वो जो है फोन को नहीं परचेस कर पाते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईफोन लेना चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट अमेजन से अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप ऑफलाइन मार्केट पे जाते हो, तो ऑफलाइन मार्केट पे भी आपको काफ़ी अच्छा प्राइस देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा ऑफर जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपको किस किस बैंक के थ्रू ऑफर देखने को मिलेगा और क्या क्या प्राइस रूल है और किस तरीके से जो है आप आईफोन को पेपर फाइनेंस के थ्रू खरीद सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कोई भी आईफोन लेना चाहते हो, जैसे कि आईफोन 13 हो गया या फिर 14 हो गया, तो आप ऑथराइज डीलर के पास जा सकते हो या फिर एप्पल स्टोर पर जा सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं आईफोन 13 की, कि आपको आईफोन 13 क्या प्राइस में आपको जो है ईएमआई पे देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ आईफोन 13 हो गया या फिर 14 हो गया या फिर 14 प्लस हो गया, ठीक है, इन सब पे जो है नो कॉस्ट ईएमआई चल रही है इस टाइम, आप जा करके ले सकते हो, कोई भी इंटरेस्ट रेट इसमें नहीं है, चाहे आप आईफोन 13 खरीदो या 14 खरीदो या 14 प्लस खरीदो। अब आईफोन 13 अगर आपको खरीदना है तो इसकी जो प्राइस है, बेस्ट प्राइस है, वो है 64,900 रुपीज़, ठीक है, 64,900 रुपीज़ में जो है आपको डायरेक्टली ये ईएमआई हो जाती है इसकी। अब इसकी ईएमआई कितने दिन की होगी तो मैं आपको बता दूं कि आप चाहे 6 मंथ की कराओ या 12 मंथ की कराओ या फिर आप 24 मंथ तक की करा लो, 24 मंथ तक की इसकी ईएमआई इजिली पे हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि 24 मंथ तक में आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देना रहता है, ठीक है। तो 64,900 रुपीज़ में ही आपको 24 मंथ की ईएमआई हो जाएगी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस क्या लगता है, जैसे कि आपको कोई भी इंटरेस्ट का तो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लगती है। प्रोसेसिंग फीस जो है बैंक की तरफ की होती है, जैसे कि आप HDFC से कराना चाहते हो या फिर आप बजाज से कराना चाहते हो या फिर आप IDFC से कराना चाहते हो या फिर आप ICICI से कराना चाहते हो, ये 4 बैंक आपको इंक्लूड दिखेंगे। इन 4 बैंक के थ्रू आपका पेपर फाइनेंस हो जाता है, तो आप इन 4 बैंक के थ्रू जो है आप 24 मंथ की EMI करा सकते हो, चाहे वो आप आईफोन 13 लो या फिर 14 लो या फिर 14 प्लस लो, ठीक है। अगर आप मान लो क्रेडिट कार्ड के थ्रू लेना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि HDFC क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको ऑफर देखने को मिल जाएगा। अगर आप आईफोन 13 लेना चाहते हो तो आपको 2,000 रुपये का कैशबैक आएगा, 120 डेज या 90 डेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कैशबैक, और 6 मंथ की नो कॉस्ट EMI होती है, मतलब ये कि 6 महीने तक ही नो कॉस्ट EMI रहेगी, उसके बाद जो है आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। वहीं अगर आप आईफोन 14 लेना चाहते हो तो आपको आईफोन 14 पे 4,000 रुपीज़ का कैशबैक है और आईफोन 14 प्लस पे भी आपको 4,000 रुपीज़ का कैशबैक है, और ये आप डायरेक्टली जा करके पेपर फाइनेंस करा सकते हो किसी भी ऑथराइज डीलर के पास जहाँ पे आईप्रोज बैठते हैं, या फिर आप जो है एप्पल स्टोर से जो है करा सकते हो, सेम प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं, तो आईफोन 13 आपको 64,900 रुपीज़ का देखने को मिलेगा, आईफोन 14 आप लेना चाहते हो तो 74,900 रुपीज़ का देखने को मिलेगा, आईफोन 14 प्लस लेना चाहते हो तो वो आपको जो है 84,900 का देखने को मिल जाएगा। ये 128 GB वाला वेरियंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 स्मार्टफोन आप इजीली जा करके किसी भी ऑथराइज डीलर से जो है आप ईएमआई करा सकते हो, 24 मंथ तक की ईएमआई आप इजीली पे कर सकते हो, इस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं है। गाइज इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसके लिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए रहेगा और आपको जो है एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा, अपनी ईमेल आईडी देनी होगी, ठीक है। ये प्रोसेस आपको करेंगे बैंक वाले, ये इसको लेने के बाद एक प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आपका क्रेडिट लिमिट चेक करेंगे कि आपको कितनी क्रेडिट लिमिट दी जा रही है, जितनी क्रेडिट लिमिट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो है डाउन पेमेंट तय हो जाएगा और आपका इंस्टॉलमेंट जो है हो जाएगा। सपोज आपका जो है मान लीजिए आपको आईफोन 13 लेना है, आईफोन 13 64,900 रुपीज़ का है और आपकी जो क्रेडिट लिमिट आ रही है वो आ रही है 80,000 रुपीज़, तो आपको कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करना होगा, ओनली आपको सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोसेसिंग फीस दे करके आप आईफोन 13 अपने घर ले जा सकते हो और जो भी प्राइस है उसका जो है आपको ईएमआई देखने को मिल जाएगी 24 मंथ तक, और आप इजीली आप जो है ईएमआई भी पे कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से आप जो है ऑफलाइन मार्केट से भी जा करके अफोर्डेबिलिटी, मतलब कि आप ईएमआई पे जो है फोन को आईफोन को परचेज कर सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है आप 24 मंथ तक करा करके आप इजीली पे भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर
करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको EMI पे गोरखपुर में लेना है तो आप सिद्धार्थ कम्युनिकेशन पे आ सकते हो, सिद्धार्थ कम्युनिकेशन बलदेव प्लाजा गोलघर में, वहाँ मैं खुद पर्सनली बैठता हूँ, वहाँ से भी मैं आपकी डायरेक्टली जो है EMI कर दूंगा 24 मंथ तक की। तो आपको अगर आईफोन लेना है तो आप डायरेक्टली मेरी शॉप पर भी आ सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू सो मच।